हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही चिकन सूखा। बहुत ही टेस्टी होती है ये डिश। इसे हम बहुत ही कम ऑयल में पका सकते हैं या तो विदाउट ऑयल भी पका सकते हैं। जो पेशेंट्स है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो ये डिश बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है मीडियम पीसेस करके। इसमें मैंने एक कप दही डाला है। गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है यहाँ पर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक बड़ा चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो बड़े चम्मच लहसुन अदरक मिर्ची और हरा धनिया इसकी पेस्ट बनाकर डाल दी है। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए। आप इसे बनाकर ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं। 10 घंटे हो चुके हैं, मैंने चिकन बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से चिकन मैरिनेट हो चुका है। गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब इसमें हम आधा टीस्पून तेल डालेंगे, जस्ट कढ़ाई ग्रीस करने के लिए। तेल गरम हो चुका है, गैस को लो हीट पे कर दीजिए और इसमें चिकन डाल दीजिए। ये जो मसाला बचा है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसे ढक्कन लगाकर लो से मीडियम हीट पर 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। गैस को लो हीट पे कर देते हैं और एक 5 मिनट तक इसे पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। चिकन पक चुका है, अब हम इसे छुरी से चेक कर लेते हैं। एकदम टेंडर हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, चिकन तैयार है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अब इसे हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। चिकन रेडी है। आप इसे स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर पाव के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं।